हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने कल गाना बनाया है तू दूर जाना सी, तो वो मैंने कैसे बनाया है। तो बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, ये छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये गाना बहुत छोटा गाना है, जड़ा ज़्यादा बड़ा गाना नहीं है। तो सुन के देखो आप ये। ये स्पेशली एक गिटार रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ ओनली। ये मेरी मिडी फाइल है और ये है हमारा गिटार। गिटार देखो, स्ट्रम गिटार, स्ट्रम अकोस्टिक टू। तो इसका एक पैच यूज़ किया है मैंने, जिसका नाम है 10 सेंसी, ऐसी कुछ नाम है। तो वो यूज़ करके मैंने ऐसा कुछ बनाया है। तो उसकी देखो प्रोसेसिंग मैंने क्या किया है, तो इसे मैंने कुछ लगाया नहीं है, सिर्फ हल्की सी वॉल्यूम मैंने डाउन अप की है और कुछ नहीं किया। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे, यूकेलेली। इसके ऊपर मैंने देखो क्या लगाया, ईक्यू क्या है देखो, ये कुछ। अब देखो यहाँ सीडी से बज रही है ना, डाउन कर दो इसको हल्की सी। मैंने इसको हाई इसकी बूस्ट की है। और उसके बाद हम आते हैं वोकल के ऊपर। वोकल में बहुत टाइम लग गया इसको कराने। पहले मैंने लगाया इसका ऑटो ट्यून, तो ये मेरा कौन से, हाँ ये डी शार्प के ऊपर मेरा सॉन्ग है, डी शार्प मेजर के ऊपर। तो मैंने वो लगाया ऑटो ट्यून के ऊपर। कल्ला कल्ला ओ यार, उसके बाद मैंने इसमें लगाया ईक्यू। तो यार ईक्यू लगाने में बहुत टाइम लग गया मुझे, तो आवाज़ अच्छी करने के लिए करना पड़ता है। उसके बाद मैंने फिर से ईक्यू किया इसका, कुछ मैंने फ्रीक्वेंसीज में काट, फ्रीक्वेंसी मैंने काटी है इसमें से। अभी देखो चुभ रही है ना कान में, ये फ्रीक्वेंसी डाउन कर दी। उसके बाद मैंने लगाया कंप्रेसर। कंप्रेसर मैंने रखा है -30 dB, रेशियो रखा है 4.2 कुछ, ठीक है। गेन मैंने +4 dB रखा है इसका, और मैं कुछ ज़्यादा करता नहीं हूँ। उसके बाद फिर मैंने EQ किया इसके अंदर, फिर जो कुछ ये फ्रिक्वेंसी थी वो हाई हो गई थी, वो डाउन कर दिया। उसके बाद मैंने लगाया इसके अंदर वर्म ट्यूब सेचुरेशन जनरेटर। इससे क्या होता है, इसकी वोकल बहुत अच्छी रहती है। अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब चलाता हूँ। मेरी जिंदगी दा एक तू ही सपना, डाउन है ना काफी वोकल। तेरे बिना दस को अब इसके अंदर क्या है, जिसके बाद मैंने लगाया इसमें डीएसआर। डीएसआर क्या होता है कि जो हमारी एस साउंड होती है। अब देखो मेरी जिंदगी दा एक तू ही अब सपना। सुपना के ऊपर देखो इसने क्या किया, ठीक है। अब मैं इसको डाल देता हूँ। अब सुपना सुनना, आप मेरी जिंदगी दा एक तू ही काफ़ी सपना। शार्प आ रहा है। उसके बाद मैंने फिर ईक्यू लगाया इसके अंदर। देखो ईक्यू तो मैंने कम से कम 1 2 2 3 4 5 5 तो सिर्फ ईक्यू लगाए हैं। कुछ फ्रीक्वेंसी फिर मुझे लग रही थी कि जो दिमाग ख़राब कर रही है, फिर उसके बाद मैंने फिर इसमें ईक्यू किया। उसके बाद मैंने एक तो चलो खाली लगा पड़ा है बस ऐसी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैंने डाला इसके अंदर फ्रूटी सेंट। फ्रूटी सेंट करके मैंने इसको सेंड किया इसमें रिवर्ब। वही मैंने रिवर्ब को बिल्कुल, इसकी हाई भी काट ली, इसकी लो भी काट ली, और इसके अंदर एक लार्ज हॉल का प्रीसेट करके, और उसको ड्राई को डाउन करना है, और आपने करना कुछ नहीं है, बाकी वेट को चख देना ऊपर। उसके बाद ई साउंड होगी और सब कुछ डन है। चलो आगे आते हैं। आगे हमारे पास है इलेक्ट्रिक गिटार। वही सेम कॉर्ड मैंने कॉपी की गिटार से, जो पहले अकोस्टिक गिटार थी उसमें पेस्ट कर दी है हमारे इलेक्ट्रिक गिटार के अंदर। और कहाँ पे है ये गिटार, दिख नहीं रही, ये रही। इसका नाम है इलेक्ट्रिक स्ट्रम सनबर्स्ट, सनबर्स्ट। तो वो यूज़ किया है। उसके बाद नीचे यूकेलेली आपको पता ही है। उसके बाद मेरी वोकल है। उसके बाद क्या, हमारी बेस ओनली, जो मैंने गाना जो मेन कॉर्ड है उसकी सिर्फ ओनली बेस बेस लाइन रख ली है। तो ये हमारी बेस लाइन हो गई है, ये रही। इसका नाम है लैटिन अर्बन। आप भी डाउनलोड कर सकते हो लैटिन अर्बन वर्क स्टेशन। तो
ओके डन है। उसके बाद ये कुछ गाना साउंड ऐसे करता है। अब आते हैं हम यूकेलेली लीड के ऊपर। तो ये एक यूकेलेली का VST है कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी का, तो वहाँ डाउनलोड कर सकते हो आप। इसके अंदर कुछ ये मोड्स दे रखे नीचे, तो इससे क्या होता है कि अब देखो, अब ये तुम्हें ये अच्छा लगा तो मैंने ये रख लिया इसमें। ठीक है ना, ज़्यादा मुश्किल गाना है नहीं बिल्कुल। इसके अंदर कुछ ज़्यादा मैंने डाला नहीं है। देखो 1 2 3 4 फोर चीज़ें, सिर्फ चार चीज़ें हैं, पांच ही मेरी वोकल है और उसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं। चल छवीं चीज़ एक, इसमें एक लीड लगा लो 1 2 3 4 5 6 और 7 है, 1 2 3 4 5 6 बस छह ही तो हैं इसमें, छह हैं इसके अंदर चीज़ें और कुछ नहीं है। यूकेलेली लीड, बेस, गिटार कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिक गिटार कॉर्ड और यूकेलेली और मेरी वोकल, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इतनी ही चीज़ मैंने लगा के ये सॉन्ग बनाया है। और कुछ लोग कहते हैं कि और ट्यून लगाते हो वोकल के अंदर, तो भाई और ट्यून तभी अच्छा लगता है जब आपकी वोकल अच्छी साउंड करती है। अब ये देखो मैंने विदाउट और ट्यून अपनी मैं वोकल सुना देता हूँ। मुकना तू दूर जाना सी, और ट्यून देखो बंद है। ते ही मुकना तू दूर जाना सी, मैं कोले आना सी तू दूर जाना। तो साउंड अच्छी तभी करेगी जब आपकी वोकल अच्छी है। अगर और ट्यून सोच के आप कह सकते कि भाई अच्छी साउंड करेगी, तो नहीं साउंड करेगी। आपकी वोकल भी अच्छी होनी चाहिए, तो थोड़ा आप ऑटो ट्यून लगा दोगे तो आपकी नेचुरली वो अच्छी साउंड करेगी आपकी साउंड, आपकी सॉन्ग, आपका साउंड जो मर्जी लगा लो आप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और बस कर देना सब कुछ। ओके बाय।